आपका हमारे YouTube चैनल बाइक सेटिंग ट्रिक्स में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लासिक 500 सीसी की, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको बता दूं कि इसका जब भी हम कोई गियर चेंज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट गियर डालते हैं तो अच्छी तरीके से पड़ जाता है, और जैसे हम सेकंड गियर डालते हैं तो सेकंड गियर टॉप में जाके रुकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है, और इसे किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं स्मूथ गियर डालने के लिए, तो दोस्तों बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में एंड तक मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बाइक सेटिंग ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और यार इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। ये लीजिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट हो गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें इसका पूरा केसिंग अलग करना पड़ेगा, इंजन कंप्लीट खोलना पड़ेगा, और गियर बॉक्स वो बाहर करके जब उसमें काम करेंगे हम, वहीं पर से ये दिक्कत आ रही है, तभी हमारा काम ये सक्सेसफुल होगा। तो सामने ये जो गाड़ी खड़ी है इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, इसके गियर बराबर से नहीं पड़ रहे हैं। इसमें गियर पड़ रहे हैं, गियर फंसे नहीं हैं, लेकिन कौन सा गियर कब पड़ रहा है ये मालूम नहीं हो रहा है, यानी गियर सिलेक्टर इसका काम बराबर नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ से गियर तो डालते हैं लेकिन कौन सा गियर पड़ रहा है वो पता नहीं चल रहा है। देखिए अभी पड़ भी नहीं रहा है, बहुत झटके से मारने के बाद पड़ता है, और कौन सा गियर गिरता है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए तो ये प्रॉब्लम गियर सिलेक्टर से हो रही है। अब गियर चेंजर का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए इंजन नहीं खोलना पड़ता है, लेकिन गियर सिलेक्टर में अगर दिक्कत आ जाए तो इंजन खोलना पड़ता है, क्योंकि गियर सिलेक्टर अंदर है, वो प्लेट पे लग के रुकता है। तो अब देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए मुझे इंजन खोलना पड़ेगा। तो बाकी का इंजन हम खोलेंगे, केसिंग अलग करते टाइम दिखाते हैं, क्योंकि इसमें इंजन में दिखाने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। तो फ्रेंड प्रूफ के लिए आप गाड़ी का नंबर देख लीजिए, डाउट नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी को खोलना स्टार्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप उसी इंजन को कैसे खोलते हैं, तो दोस्तों चैनल पर वीडियो है, देख लीजिए, मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। और ये पुलर लगा के हम सबसे पहले इसका मैग्नेट निकाल लेंगे, तो पुलर को अच्छी तरीके से टाइट करके उसके बाद में पीछे से इसका बोल्ट लगाइए सपोर्ट, जिससे हम निकालते हैं, क्योंकि इसका स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है, और ये आसानी से निकल जाता है जब टाइट कर देंगे अच्छे से, और पीछे से इसे टाइट करेंगे तो ये निकल जाएगा। प्लेट को निकाल लेना है यहाँ से, एल की बोल्ट खोल के, 5 नंबर एल की लगती है, और ये कैम गियर निकाल लेने हैं। कैम गियर निकालने के बाद में आपको यहाँ ऊपर हेड में 6 स्टेट मिलते हैं, 6 स्टेट, 4 अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं, इनको निकाल लेना है और हेड को ऊपर निकाल लेना है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना इजी निकल गया। ब्लॉक निकाल लेंगे हेड निकालने के बाद में, और लॉक पकड़ से गजन पिन का लॉक निकालेंगे, और गजन पिन को उधर से थोड़ा ठोक के पिस्टन को इजी बाहर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, सिर्फ ट्राई करने की ज़रूरत है। देखिए निकल गया। अब इधर से क्लच बेल बाहर कर लेना है। तो यार जो भी चीज़ें मैं आपको खोलते हुए नहीं दिखा रहा हूँ वो सारी वीडियो चैनल पर हैं। अब इसको कैसे खोलना है, कैसे इसको जाम करके खोलना है, ये सब वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। अब हर चीज़ को तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, और लॉन्ग वीडियो नॉलेजेबल नहीं हो पाते हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो चलिए यार फाइनली अब चेसी से इंजन को बाहर ले लेते हैं, और उसके बाद में इसके केसिंग को, मेन केसिंग को अलग करते हैं, क्योंकि हमें जो काम करना है वो गियर बॉक्स में करना है, इसका सिलेक्टर काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने सब चीज़ खोल रखी है, अब केसिंग को अलग करेंगे, कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं आपको। 16 नट बोल्ट खोलने होते हैं स्टेड और एलंकी मिला के, तभी हमारा मेन केसिंग अलग होगा। तो ये तो बोल्ट टूट गया इसका गियर सिलेक्टर का, इसके लिए गाड़ी कौन से गियर में जा रही है इसके लिए मालूम नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे फोल्ड बाहर ही दिख गई है। चलिए अब इसको खोल लेते हैं, पूरा गियर को बाहर करेंगे। तो जब इस पर सिलेक्टर ही नहीं रहेगा, इसके ऊपर सिलेक्टर पट्टी रहती है और वो निकल जाएगी, तो गियर कौन सा पड़ रहा है मालूम ही नहीं पड़ेगा।
चलिए इसको बाहर करते हैं और कैसे लगता है वो दिखाते हैं। तो ये गेयरबॉक्स कंप्लीट निकालने से पहले हम वो साइड में जाएंगे और ये बताएंगे कि हमको पता कैसे चला कि इसका गियर का सिलेक्टर ही ख़राब है। गियर चेंजर भी यहाँ पर ख़राब हो सकता था और भी चीज़ें ख़राब हो सकती थी, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि इसका गियर का सिलेक्टर ही ख़राब है, तो वो मैं उस साइड से बताता हूँ कैसे पता चला मुझे। तो ये इसका गियर चेंजर साफ़ है, तो जब गियर फंस जाते हैं चेंज नहीं होते हैं तो मिस्टेक इसकी होती है। लेकिन अगर गियर चेंज हो रहे हैं लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा गियर पड़ रहा है, तो वो सिलेक्टर ही ख़राब होता है, क्योंकि सिलेक्टर उसके ऊपर रखा रहता है प्लेट के ऊपर, और वो एक चेंज होता है तो एक खांचे में रुकता है, फिर एक चेंज होता है तो एक खांचे में रुकता है, और जब वो उसके ऊपर से हट जाएगा या टूट जाएगा कुछ हो जाएगा तो गियर हम कौन सा डालेंगे तो कौन सा पड़ेगा ये पता नहीं चलेगा। एक एक बार तो सेकंड गियर डालेंगे तो टॉप गियर में पहुँच जाएगी गाड़ी और ये पता ही नहीं चलेगा कि मतलब बीच में रुकी क्यों नहीं, तो वो सिलेक्टर का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर गियर बॉक्स निकालने के बाद भी मुझे ये स्प्रिंग मिली और ये उसका नट मिला टूटा हुआ, लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ नहीं मिली है इसके अंदर, वो शिफ्टर जो प्लेट के ऊपर रखा रहता है, तो उसके लिए शायद मुझे किक गियर खोलना पड़ेगा। तो एक किक गियर पहले मैं खोल के लेता हूँ, शायद यहाँ पर गिरा होगा। तो सिलेक्टर पत्ती इसमें भी नहीं मिल रही, तो शायद पहले वाली केसिंग में होगी। इसमें अच्छे से ढूंढ लिया मैंने, पहले वाली केसिंग में देख लेंगे कि हमने इधर रखा है। ये रही, और ये हमारा गियर शिफ्टर का स्टेड यहाँ से टूटा है देखिए। तो स्टेड एक बार यहाँ से लगाएंगे, टूटा क्यों इसका कारण जानना ज़रूरी है। पहले लगा लेते हैं इसको टाइट। तो ये लूज होने के कारण टूटा है, ठीक है, नीचे से लूज हुआ है और ये इसमें टच होकर टूट गया है, ठीक है। देखिए बहुत ज़रा सी गैप बचती है इसके बीच में और टूट के ये वापस से देखिए यहाँ पर गिर गया, ठीक है। तो इसके लिए ये लूज होने की वजह से टूट गया। चलिए इसको चेंज करते हैं और फिट करते हैं। तो ये रॉयल इनफील्ड स्पेयर पार्ट्स का शॉप है, अब यहाँ पर देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया आपके पास ये हिस्टेड मिल जाएगा, कैटलॉग लो 500 सीसी का।
खोलो। गियर सिस्टम खोलो। चलो ठीक है, ये मिल गया हमें स्टेट और इसका नाम है पावेल बोल्ट शिफ्ट कैम प्लेट, पावेल बोल्ट शिफ्ट कैम प्लेट। तो ये कैटलॉग के मेन चैम्बर जो होता है हमारा क्रैंक के, उसके स्पेयर पार्ट में से 40 नंबर पे है। अब इसको फिक्स करेंगे। तो एक बार इस बोल्ट को यहाँ पर टाइट करके आपको दिखाता हूँ कि ये टूटा क्यों। जब हम इसको कंप्लीट टाइट कर देंगे और यहाँ से ये नट लगाएंगे और नट किसी कारण से वाइब्रेशन से या किसी कारण से जब लूज हो जाएगा तो इस गियर में फंस के टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि गैप ही नहीं रह जाती है, अभी और टाइट होगा फिर यहाँ पे गैप छूटेगी। तो चलिए इसको अब हम फिक्स कर लेते हैं फाइनली और गियर बॉक्स डालते हैं इसमें। बोल्ट को लूज कर लेंगे, लूज करके ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद प्लेट। तो सबसे पहले ग्रीस लगाकर यहाँ पर वाइसर को चिपका देना है, ये वाली वाइसर को, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये सिस्टम हमारा लग गया। अभी इसका नट चमक नहीं रहा है, आप बोलेंगे पहले चमक रहा था, तो वो नट हमने चेंज कर दिया है, सिर्फ नट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो नट लूज हो सकता था कभी, ठीक है। इसके लिए सिर्फ नट को चेंज किया है, बस इतना ही, ठीक है। और ये काम कर रहा है अभी। चलिए इसमें अब गियर डाल देते हैं सिस्टम सब। तो अभी फाइनली हम गियर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से बैठ जाता है, एक दो बार ट्राई करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम में नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा। तो मैं इसको बैठा के दिखा रहा हूँ किस तरीके से बैठाया जाता है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से लग जाता है ये। यहाँ से आराम से डालिए और शाफ्ट को हल्का हल्का घुमाइए अगर नहीं बैठ रहा है तो, ताकि सेंटर मोमेंट आए और ये बैठ जाए। प्लेट को भी ऊपर सीधा करते रहिए जैसा कि मैं अभी सीधा कर रहा हूँ, देखिए, और शाफ्ट को घुमा रहा हूँ यहाँ से ताकि ये बैठ जाए अच्छे से। अब देखिए वो वाली ले शाफ्ट बैठ गई है, ठीक है, और ये मैन शाफ्ट भी बैठ गई। अब देखिए, अब इसको मैं बाहर करूँगा, शिफ्टर उसको बाहर की तरफ ढकेलता है क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगती है, तभी तो गियर पड़ते हैं, क्योंकि गियर को वही रोकती है जो टूट गई थी। और इसे ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर ये बैठ गया अच्छे तरीके से। और अब ऊपर से पिन को ठोक देना है, पिन हमारे पास है, दिखा रहा हूँ, ये सिम्स वाइसर देखे यहाँ पर, और ये सिम्स वाइसर ये प्लेट को ऊपर नहीं आने देती है, ठीक है। यहाँ से पिन डाल देना, लेकिन सिम्स वाइसर बैठी नहीं है अभी बराबर। पिन को ऊपर ले लेता हूँ एक बार मैं, ताकि इसके जो सेंटर है वो सही कर सकूँ। और अब इस बार इसका सेंटर परफेक्ट हो चुका है, अब इस बार ये चली जाएगी, किसी भी चीज़ से ठोक दीजिए, पकड़ ज़्यादा ईजी बैठता है, या कोई भी जो पाना इसको हल्का चोट दे सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट देगा इसको बिठाना नहीं होता है। और जब ये पूरी कंप्लीट बैठ जाए तो गियर को डाल के चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं डाल के चेक करूँगा गियर को। तो अभी हमारी गाड़ी सेकंड गियर में पड़ी है, पहले इसको न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल नहीं हुई है, सेकंड गियर में आई, ये हुआ न्यूट्रल हमारा, और ये आया हमारा फर्स्ट, ठीक है, फिर न्यूट्रल, और ये आई हमारी सेकंड गियर में गाड़ी, सेकंड के बाद ये थर्ड गियर, थर्ड गियर के बाद में ये हमारा फोर्थ गियर, और ये लास्ट, देखिए एंड में पहुंच गई ना पत्ती, तो वो हमारा लास्ट गियर। उसके बाद इस वाली पिन को एंड तक ठोक देना है, एंड तक नहीं ठोकेंगे तो ये मेन चैम्बर हमारा नहीं बैठेगा, गैप दिखाएगा। और ये पिन काम करती है, हमने जो वो शिफ्ट कैम प्लेट के बीच में मोटी वाली पिन ऊपर से ठोका है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका कैप लगा देंगे और ये आठ का नट टाइट कर देंगे। अब इसको आठ नंबर के टीप आने से अच्छे से टाइट करके और भैया मेन केसिंग जोड़ देते हैं जल्दी से, और इंजन को चढ़ा देते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं भाई कैसा काम हुआ हमारा, कैसी हुई स्मूथ गियर। बस तो अभी मेन केसिंग हमने यहाँ पर जोड़ दिया है और अब हम गाड़ी को, सॉरी, इंजन को चेसी में चढ़ा देते हैं यहाँ पर,
जो कि अभी यहाँ पर रखा है हमने चढ़ाने के लिए। और अब इसमें यहाँ से स्टेट डाल देंगे जो भी स्टेट पड़ने हैं, और उसके बाद फाइनल गाड़ी को फिटिंग करते हैं और आपको स्टार्ट करके इसका गियर शिफ्टिंग दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ सब। तो यहाँ पर सबसे पहले पुश रॉड डाल देनी है, बड़ी वाली आगे की तरफ, छोटी वाली पीछे की तरफ। क्लीनिंग भी करते रहिए, अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर ऑयल डाल देंगे रॉकर में। इससे क्या होगा कि जब हम फर्स्ट किक मार के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो रॉकर का साउंड नहीं आएगा। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो जब तक ऑयल नहीं चढ़ेगा तब तक रॉकर का साउंड आएगा। इसके लिए यहाँ पर ऑयल डालना ज़रूरी है टाइट करने के बाद। अब मैं फाइनल टाइट कर लेता हूँ और गाड़ी की फाइनल फिटिंग करके आपको एंड में स्टार्ट करके और उसकी गियर शिफ्टिंग दिखाता हूँ। प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे नंबर गाड़ी का दिख जाएगा। और अब फाइनल इसकी फिटिंग हो चुकी है लगभग। और जैसे ही ये गाड़ी फाइनल फिटिंग होती है और हम इसको स्टार्ट कर देंगे, यहाँ वाल में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, अच्छा ऑयल, ठीक है। मैग्नेट को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे और उसके बाद में गाड़ी को फाइनल इसका LH कवर, RH कवर जो भी है, टेप इट कवर सब लगा के, और जल्द ही मैं आपको गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी रेडी हो गई, इसका गियर बॉक्स का काम हो गया। जो शिफ्टर टूटा हुआ था उसे हमने चेंज कर दिया। अब इसका एक बार गियर चेक कर लेंगे। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दो भाई। ओके, मैं वो साइड में जाता हूँ और यहाँ से गियर को डाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फाइव गियर। और ये न्यूट्रल। फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं जल्द मिल रहा हूँ आपसे हमारी दूसरी आने वाली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। एक बार आपको विड आउट स्टार्ट किए दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ से घुमा के दिखाता हूँ टायर को, न्यूट्रल में है, फर्स्ट गियर पड़ गया, न्यूट्रल हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, थर्ड, सॉरी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, न्यूट्रल। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और यार वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो बनता ही, लाइक करके जाना दोस्त।